बुआई का समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है। कुछ क्षेत्रों में बुआई शुरू भी हो चुकी है। राजगढ़ जिले में अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन की बुआई होती है। राजगढ़ क्षेत्र में बुआई की कई पद्धतियां प्रचलित हैं। आइए सोयाबीन बुआई की प्रचलित विधियों के बारे में किसानों से जानते हैं। मेरा नाम जगदीश दांगी है, मैं ब्यावरा कला का हूँ। मैं सीडिल से बुआई कर रहा हूँ। सीडिल से इसलिए कर रहे हैं कि इससे अच्छी पैदावार होती है, अच्छा उत्पादन होता है इससे। उस सोयाबीन को फेंक के नहीं बोना चाहिए, उससे क्या है वो ऊपर रहती है और ऊपर रहने से उससे नुकसान होता है, और नुकसान होता है इसलिए वो बीज पूरा उग नहीं पाता है अपना। नमस्कार किसान भाई, और मैं ब्यावरा कला के रहने वाला मांगीलाल डांगी हूँ, और मैं बहुनी कर रहा हूँ, बैल सामन से कर रहा हूँ। हमेशा के लिए बैल सामन से खेती करता हूँ, फेंक के कभी भी नहीं बोता हूँ। वो फेंक में नुकसान है, और बैल सामन की जो पैदावार होती है वो अच्छी होती है। हमारे पड़ोस वाला देखा है हमने, पास में फेंक के बोता है, वो में नुकसान ज़्यादा होता है, वो बीज ज़्यादा बिकता है, उसमें उपज नहीं होती है, वो पेड़ उमड़ जाता है। पानी कम गिरेगा तो फसल अच्छी नहीं होगी, इसलिए हम फेंक के नहीं बोते, सामन से बोता है, सीडल से बोता है। मेरा नाम ये कन्यालाल दांगी है, मैं ब्यावरा कला के निवासी हूँ। मैं नाई और बैल से सोयाबीन बोता हूँ, क्योंकि इसका कारण फेंक के यूं नहीं बोता हूँ, क्योंकि फेंक बा में हमें नींद बा की और कुल्फी की परेशानी होती है। इस प्रकार से हम और के ही बोते हैं, क्योंकि कुल्फी निकल जाती है, कभी पानी जो कम गिरता है ना तो हम नींद भी लेते हैं, ऐसे दवाई नहीं देनी पड़ती है और दवाई की बचत हो जाती है। जो ज़्यादा पानी की वर्षा होती है तो फिर दवाई की छिड़काव कर देते हैं। जो हम बीज फेंक के जो बोता है ना, तो 35 किलो के रे मेरे सोयाबीन 1 बीघा में आती है, और जो और के बोता है तो वो 25 किलो के हिसाब से बोते हैं, तो उससे हमें बीज की भी बचत होती है। वही पौधा में फल आवे, अगर जो अपन फेंक के बहुत ज़्यादा सांगनी सोयाबीन बोता, अगर जड़ से जड़ मिली तो ज़्यादा जड़ नहीं कर पाएगी और वह फलिया कम लेगी। बात एक ही है, सोयाबीन वास्तविक जो जड़े करती है वो तो वही निकल जड़े वापस में, अगर जड़ से जड़ मिल गई तो फल कम लेती है, और जो सोयाबीन जो सीधी रहती है बीच में पाल्ट निकलता है तो वापस में जड़ थोड़ी लंबी गहरी चलती है तो वो भी फल ज़्यादा लेती है। तो वैसा है नहीं, 40-12 इंची का ही जरूरी है 95-60 में। इन सभी पद्धतियों के अलावा एक उन्नत तकनीकी भी है जिससे अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। एक्सेस द्वारा इस पद्धति का उपयोग किसानों को करवाया जा रहा है जिससे उनको लाभ में और अधिक वृद्धि हो। आइए जानते हैं BVF मशीन के बारे में, विशेषज्ञों की क्या राय है। राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह राजपूत, जो कि विगत यहाँ से 2008 से हम यहाँ काम कर रहे हैं एक्सिस डेवलपमेंट सर्विसेज में राजगढ़ जिले में। आज मैं किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूँ कि खरीफ फसलों की बोनी चल रही है, जिसमें हमने BVF मशीन के द्वारा कुछ किसानों को पिछले बार भी हमने बोनी करवाई थी, जिनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे थे। इस बार भी हम उनकी बोनी करा रहे हैं, और जो सक्सेस किसान हैं वो तो ये कर ही रहे हैं। साथ ही मैं उन किसानों को भी सलाह दूंगा जो BVF से बोनी नहीं कर रहे हैं, वो BVF के द्वारा ही बोनी करें, क्योंकि इसके कई एक फ़ायदे किसानों ने अपने खेत में पिछले साल लिए हैं। आए किसान भाइयों, आज मैं आपको बताता हूँ कि BVF मशीन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आज हम BVF मशीन के द्वारा कुछ खेतों में बोनी करने जा रहे हैं। हाँ किसान भाइयों को मैं बताना चाह रहा था, जैसे कि BVF के हम कुछ खेतों में प्रदर्शन
या बोनी करवा रहे हैं उसके मैं फ़ायदा किसान भाइयों को बताना चाह रहा था कि VVF काम कैसे करती है। असल में हम देख रहे हैं कि यहाँ ये हमारे जो ICR अनुसंधान केंद्र है वहाँ से ये अनुमोदित होके आई है, और ये VVF किस तरह से काम करती है वो मैं किसान भाइयों को बताना चाह रहा था। तो आज हम जो VVF करवा रहे हैं उसमें किसान भाई देख सकते हैं कि इसमें ये कुछ फल लगे हुए हैं, ये असल में इनका काम होता है एक नालियाँ बनाना। हाँ किसान भाइयों, जैसे कि मैं बता रहा था कि इसमें जाना था ये फल काम करता है, बाकी सभी अपने जो सीड ड्रिल होती है जो किसान भाई अपने सीड ड्रिल से बोते हैं सेम वही है। अंतर इसमें ये आता है कि ये फल नालियाँ बनाते जाते हैं, और खेत में सोयाबीन को बोते समय ये नालियाँ दोनों साइड उधर भी और इस साइड भी ये फल दोनों साइड रहते हैं जिससे नालियाँ बनती जाती हैं। नालियाँ बनने का विशेष रूप ये है कि जब ये नालियाँ बनती हैं तो खेत में जब पानी की अधिकता होती है, बरसात अधिक होती है, तो इन नालियों के द्वारा पानी खेत से बाहर निकल जाता है और सोयाबीन को हमारे गलने से बचाता है। साथ ही जहाँ कम बरसात होती है या कम वर्षा होने के समय में इन नालियों में पानी भरा रहता है जो सोयाबीन की पानी की पूर्ति करता है। ये विशेष अंतर के कारण हमारी सोयाबीन इसके द्वारा काफ़ी सक्सेस हुई है और अच्छे परिणाम किसानों ने लिए। किसान भाइयों जैसा देख रहे हैं कि हमारे इस खेत में नालियाँ जो बनती जा रही हैं VVF की, वो इस प्रकार से हैं, ये VVF नालियाँ बनाती रहती हैं। किसान भाइयों से विशेष अनुरोध मैं ये करूँगा कि किसान भाई आएँ और इस तकनीकी का अपने खेतों में लाभ लें। आएँ किसान भाइयों, हम जानें अपने आत्मा ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर से कि उनका VVF के बारे में क्या सोच है। सर जी, VVF के बारे में हमारे किसान भाइयों को कुछ आप सजेशन देना चाहें तो उसके बारे में बताएं। जैसा कि मौसम को देखते हुए अधिक वर्षा भी हो रही है और किसान भाइयों के लिए बीवीएफ मशीन बहुत फायदेमंद है। बीवीएफ मशीन से जो किसान बोनी कर रहा है उसको कहते हैं, अगर कम वर्षा होती है तो भी उसको फायदा, अगर अधिक वर्षा होती है तो भी उसको फायदा है। बीवीएफ क्या नाली बनाती है, नालियों से क्या होता है, अधिक वर्षा होती है तो जो अपना एक्सेस वाटर होता है वो कहते हैं बाहर निकल जाता है, और यदि बारिश कम होती है तो, बारिश अगर कम होती है तो उसमें नालियों में जो भरा हुआ पानी है वो सीपेज होके अपने पौधों को मिलता है, और उससे क्या पौधों को जो पानी मिलना चाहिए वो पर्याप्त पानी मिल जाता है। बीबीएफ मशीन किसानों के लिए बहुत लाभकारी है, और किसानों से मैं यही कहूँगा कि बीबीएफ मशीन बहुत अच्छी है। पीढ़ी सक्सेना ग्रामीण कृषि बीबीएफ मशीन का यहाँ ओरिजिनली हम डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ देख रहे हैं। इसमें कुंड बनती, कुंड के जरिए पानी का अगर ज़्यादा एक्सेस वाटर अगर खेत में होता है तो उस कुंड के जरिए आप निकाल दी। किसानों को यही बता रहे हैं कि इस कुंड के जरिए एक्सेस वाटर में आपकी फसल गलेगी नहीं, और उस पानी को आप निकाल दीजिए। और अगर बारिश का मौसम ज़्यादा कम बारिश में भी अपन सोयाबीन की जो भी फसलें लेंगे खरीफ की वो बहुत बढ़िया इसमें आएगी। कम बारिश में पानी कुंड के जरिए आप रोक लीजिए, रोकने के साथ अपने जो प्लांट इसमें मेड़ से बिजाई होगी, मेड़ से बिजाई में पौधा गलेगा नहीं और बढ़िया स्वस्थ रहेगा, हवा सूर्य का प्रकाश सब पर्याप्त मिलेगा। पानी आपने कुंड के जरिए रोक लिया है, रोकने से क्या होगा कि पानी अगर बारिश नहीं होती 15-20 दिन तक तो उस पानी कुंड के जरिए रुके हुए से अपनी फसल बहुत बढ़िया बम्पर फसल होगी। ये मेथड बहुत ही बढ़िया रिज बैंड पद्धति हमने अपने रायगढ़ जिले में हर किसानों के यहाँ प्रोत्साहित किया। कुछ मशीनें तो ऐसी लिया है किसान जिसमें वो पंजी लग रही है, पंजी के जरिए कुंड बनती जाती है, और बैंड के और कुंड बनने से किसानों ने और मेड़ पे बिजाई होने से ये मेथड बहुत ही अच्छा पसंद किया। मैं किसानों के लिए बहुत बढ़िया ये मशीन के लिए आभारी हूँ। आइए यहाँ आइए, हमारे किसान भी बहुत प्रभावित हुए, इसको यहाँ बोनी उसी मशीन से की जा रही है।